कानपुर देहात में सीएम योगी ने किया जनसभा को संबोधित। सीएम ने कहा आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। कानपुर देहात में मुख्यमंत्री की जनसभा में हंगामा। विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों ने जनसभा में काटा हंगामा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ पर पाया काबू। बाराबंकी से अरविंद राठी को लखनऊ जेल किया गया शिफ्ट। मुन्ना बजरंगी हत्याकांड के मास्टरमाइंड सुनील राठी का भाई है अरविंद राठी। राहुल गांधी के शिवभक्त को लेकर फैजाबाद में बयानबाजी। हिंदू पक्षकार महंत धर्मदास ने साधा निशाना। कहा राहुल के खानदान ने अयोध्या में की बुराई। राहुल अयोध्या आकर जनता से मांगे माफी। हमीरपुर जिले में कैदी पुलिस अभिरक्षा से हुआ फरार। बाथरूम करने के बहाने गया था कैदी। फैजाबाद जिला महिला अस्पताल में लापरवाही में गई नवजात की जान। तीमारदारों ने जमकर काटा बवाल। सीतापुर में सैकड़ों प्लाईवुड फैक्ट्री पर वन विभाग की टीम ने की छापेमारी। फैक्ट्री मालिकों में मचा हड़कंप। किसानों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से शुरू भारतीय किसान यूनियन की जनक्रांति पदयात्रा मुजफ्फरनगर पहुंची। मुजफ्फरनगर से दिल्ली के लिए रवाना होगी पदयात्रा। बरेच में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आवंटित होने वाला पुष्टाहार आया सवालों के घेरे में। मिड डे मील की शिकायत लेकर लोग पहुंचे डीएम ऑफिस। और आजमगढ़ में बिजली विभाग का 9 करोड़ रुपए बिजली का बिल बकाया। जिले के सरकारी दफ्तरों के बड़े बकायादारों में स्वास्थ्य महकमा, बेसिक शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग पर बकाया बिल।